फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की एक ग्रीन लाइन अगर आपको दिखाई देती है तो इस ग्रीन लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ना इस ग्रीन लाइन को हटाने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना यूज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब कभी हमारे फोन की स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन लाइन हमारे को दिखाई देती है ना, तो हमारा मोबाइल फोन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किसी भी ऐप को टैप कर रहा हूँ तो ये ऐप ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये ग्रीन लाइन आ जा रही है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को यूज करने के लिए दो बातों का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो स्क्रीन है ना, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको अपने किसी भी हाथ की ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ऐसे, तब जाके फोन की स्क्रीन आपकी काम करेगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी ऑप्शन अगर चालू या फिर बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है, फिर उसी ऑप्शन पे डबल टैप करना है, ऐसे, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या बंद होगा, जो भी आप उसे करना चाहते हैं, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ इस ग्रीन लाइन को हटाना कैसे है। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है, ठीक है। तो जो सेटिंग का ऐप है इसे एक सिंगल टैप कीजिए, अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका सेटिंग का पेज आता है। अब देखिए, सेटिंग के पेज में आपको ना दो उंगलियों से पेज को ऊपर करना है, ऐसे, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, इसे टैप करना है। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, ठीक है, तो आपका ये पेज आता है। इसमें आपको नीचे टॉकबैक का ऑप्शन है, टॉकबैक पे टैप करना है। अब इस पर डबल टैप करना है टॉकबैक पे, ठीक है ना, तो आपका ये पेज आएगा टॉकबैक का। इसमें देखिए ऑन के सामने बटन जो है चालू है, तो इस बटन को जो है बंद करना है, ठीक है, तो इस बटन पर टैप कीजिए। अब इस बटन पर डबल टैप करना है, ठीक है, तो आपका ये नीचे छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको ये टर्न ऑफ है, टर्न ऑफ पर टैप करना है। अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका ये बटन जो है बंद हो जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी जो ग्रीन लाइन है वो आपकी हट जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, मैं किसी भी ऐप को टैप करूंगा तो सिंगल टैप में ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए सिंगल टैप में ओपन हो गया, ठीक है ना, ये भी ऐप सिंगल टैप में सारे ही ओपन होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में ग्रीन लाइन दिखाई देती है तो उसे आप इस तरीके से इजिली हटा सकते हैं, ठीक है ना।